बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद होने वाली हिंसक घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हसीना के सत्ता से हटने के बाद बुधवार शाम तक कुल 232 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी के साथ बताया गया है कि जुलाई के 20 से अब तक हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 550 से ज्यादा हो चुका है। स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश में अराजक माहौल के बीच लूटपाट किए जाने के डर से लोगों ने रातें जागकर बिताई हैं। लोग अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए खुद ही सड़कों पर पहरा देते दिखे हैं। अराजकता के माहौल में एक ही जेल से 200 से ज्यादा कैदियों के भागने की भी खबर सामने आई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि बहुत से पुलिस थानों में पुलिसकर्मी नहीं दिखे, वो हिंसा के बाद वहां से भाग खड़े हुए। सड़कों पर भीड़ तंत्र का हिस्सा बने लोग ही ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए। उधर शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए पेरिस से बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस का भी बांग्लादेश की हालत को लेकर बयान सामने आया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने कहा, हमें दूसरी बार आजादी मिली है, हमें इस आजादी की रक्षा करनी है। यूनुस ने उन युवाओं के प्रति आभार जताया जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्होंने जनता से कहा, देश अब आपके हाथों में है, अब आपको अपनी आकांक्षाओं के अनुसार इसका पुनर्निर्माण करना है। आपको देश के निर्माण के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करना होगा। आपने देश के लिए आजादी हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम जो सरकार बनाएंगे वो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यूनुस ने लोगों से अपील की कि देश को अराजकता से बचाया जाए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश एक बहुत खूबसूरत देश हो सकता है और हम इसे ऐसा बना सकते हैं।